अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि आप समर्स में अपने प्लांट्स को किस तरीके से हाइड्रेटेड रख सकते हैं या इनको शदीद गर्मी से किस तरीके से बचा सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने प्लांट्स को इस भयानक गर्मी में बचा सकते हैं। तो चलें चलते हैं पहली टिप की तरफ। पहली जो टिप है वो है इनको अच्छा शेड प्रोवाइड करना। चाहे हमारे प्लांट इंडोर हों या आउटडोर हों, तो वो एक टेम्परेचर तक हमारे सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शदीद लू या बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाली सिचुएशन आ जाती है तो हमारे प्लांट भी झुलसना शुरू हो जाते हैं और ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए, ये देखें, ये यहाँ से इसका पत्ता ख़राब होना शुरू हो गया। तो इनको बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने लगाना है कोई ग्रीन नेट। ये देखें, ये है एक ग्रीन नेट जिसको मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा दूंगी, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक शेड बन जाता है, यहाँ पे मेरी एक बिल्डिंग है जिसका शेड इधर यहाँ पे आता है, तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक कवर सा लगा दूंगी। अगर आपके पास ग्रीन नेट ना हो तो आप किसी चादर वगैरह से भी इनको ऊपर शेड प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि सनलाइट और जो गर्म लू होती है इनको वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी और इनको वो छन के मिलेगी। दूसरी जो टिप है उसको आपने फॉलो करना है और वो ये टिप है कि आपने अपने सारे प्लांट्स को एक जगह कर देना है। मतलब अगर आप इनको दूर दूर करके रखते हैं तो ये जो है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और अगर आप इसको कंबाइन करके रखेंगे तो इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि ये सब एक साथ कंबाइन रहेंगे और एक दूसरे की ठंडक इनको मिलती रहेगी। तो आपने अपने सारे प्लांट्स को एक जगह कर देना है ताकि ये एक दूसरे की ठंडक में सर्वाइव करते रहें। अब आपको अपने प्लांट्स की वाटरिंग का भी बहुत ख्याल करना है। सर्दियों में तो हम हर अल्टरनेट डेज इनको पानी देते थे, लेकिन अब इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप इनकी वाटरिंग करें तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी डीप वाटरिंग करें। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये पेटूनिया का प्लांट है और इसके अंदर देखिए कितनी ये ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी ये देखिए ये सर्वाइव कर रहा है क्योंकि मैं इसकी वाटरिंग का ख्याल रखती हूँ। लेकिन ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से आपने अपने सारे प्लांट्स का ख्याल करना है और उनकी वाटरिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। इनको टाइम पे पानी दें और डीप वाटरिंग करें इनकी। से लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आपने इनकी मिस्टिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इनकी दिन में दो दफ़ा भी मिस्टिंग ज़रूर करें। जब आप अपने प्लांट्स की मिस्टिंग करेंगे तो इसके ऊपर से डस्ट भी रिमूव हो जाएगी और साथ में जो सराउंडिंग एरिया है उसमें मॉइस्चर लेवल हाई हो जाएगा और ये बहुत अच्छा सर्वाइव भी करेंगे। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन करें आपके प्लांट्स जो है वो खुश भी रहेंगे, और अगर फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो उसके अंदर फ्लावरिंग भी होगी, और फ्रूटिंग प्लांट होंगे तो उसके अंदर फ्रूटिंग भी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।